बात उड़ा नहीं गुरु ना वो आगे लगे उड़ा नहीं की बात है तो ये नहीं गुरु पूर्णिमा का परंपरा से ऋषि मुनियों से भी ये चलता आ रहा है कि इस दिन शिष्य अपने कहाँ भी होते वो गुरु महाराज की पूजा अर्चना करके और 12 महीना का आशीर्वाद लेते हैं ताकि वो अपने किसी भी प्रकार की सिद्धियाँ या वही गृहस्थी लोग हैं वो अपने पूरे परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए गुरु महाराज से आशीर्वाद लेके और अषाढ़ की जो पूर्णिमा थी इसे गुरु पूर्णिमा कहा गया है और सदियों से चलती आ रही है। और हमारे भी यहाँ मठ की परंपरा है कि हमारे गुरु पीर भी पहले से भी गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाते थे, उस समय सभी संत महात्मा भी आते थे और समाधियों के ऊपर पूजा अर्चना करने के बाद में जो शिष्य आते उनको मंत्र दीक्षा दे के उनके जीवन को भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए कामना करते, ऐसे ही हमारी ये भावना रही है।